फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 4D चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5th का अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34 एंड ए इंटू बी इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट फाइंड आउट करना आपको 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फर्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे पहले अपन फर्स्ट को करें तो 3 के साथ में कौन मल्टीप्लाई में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये वैल्यू। अब देखो, ये तो 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई है। इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 34 प्लस 2 इंटू इसकी कितनी वैल्यू है, 12 प्लस 5 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 34 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 12, ये वैल्यू इसकी। तो 3 इंटू 34 प्लस 24 प्लस 5 इंटू 34 माइनस 24, तो 3 इंटू 34 प्लस 24 कितना आएगा आपका, 58 प्लस 5 इंटू 34 में से 24 माइनस करोगे तो 10। 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा आपका, 24, 3 इंटू 5 15 और 15 और 2 17 और प्लस में कितना है, 50। दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 5 12 और ये 1 और 1 कैरी था आपका 2, 224 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, सेकंड में भी सेम प्रॉपर्टी अपन लगाए तो 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो 7 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 34 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 12 माइनस 2 इंटू 34 प्लस 2 इंटू 12, ये लीजिए वैल्यू। ये तो 7, 34 माइनस 24 माइनस 2 इंटू 34 प्लस 24, ये 7 इंटू ये कितना आपका 10 माइनस 2 इंटू ये कितना आपका 58, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी 70 माइनस 58 का डबल करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 116। अब 116 में से इसको आप माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 46, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर में क्या गिवन आपको। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करें तो 7th में आपको गिवन कंडीशन दी हुई है कि 3x माइनस 4x इक्वल टू 4, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ माइनस 64 अपॉन x³, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 के अंदर आपको जो वैल्यू गिवन है उसी का मैं क्यूब कर दूं तो उस क्यूब के अंदर ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए, अपन क्यूब वाला फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं क्यूब वाला कि a माइनस बी का मैं क्यूब करूं तो वैल्यू आएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। यदि यहां पे प्लस है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू की मैंने उसी का मैं क्यूब कर दूं कि 3x माइनस 4 अपॉन में x इक्वल टू 4 आपको गिवन है। यदि बोथ साइड के अंदर इसका क्यूब कर दूं तो ये तो आएगा आपका, इसका क्यूब करूं तो इसकी वैल्यू कितनी, इसका क्यूब कर दीजिए तो 3x का क्यूब माइनस 4 अपॉन x का क्यूब और माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू 4 अपॉन x इंटू
प्लस ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4 अपॉन में 3, ये वैल्यू, और 4 का क्यूब करूं तो कितना 64, 3 का क्यूब कितना 27, x का क्यूब कितना x क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64, x का कितना x क्यूब, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, और ये 4 × 12, 12 × 36 यानी माइनस का 36 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 64। अब जो वैल्यू आपको चाहिए वो देखिए, 27x³ - 64x³ - इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 144 इक्वल टू 64, 27x³ - 64 अपॉन x³ इक्वल टू 64। ये माइनस 144 इधर आएगा तो प्लस 144, दोनों का आप ऐड करोगे तो ये 0, ये 8, और ये 6 और 4 कितना 10, 0 और 1 आउट, एक कैरी था आपका, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है सबसे पहले वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि x² + 1/x² = 7, x≠0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x³ + 8x - 7/x³ - 8/x, इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। सबसे पहले जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो ही देखो, आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, कि 7x³ + 8x - 1/7/x³ - 8/x, इसी को मैं लिख सकता हूं। इन दोनों को तो एक तरफ लिख लीजिए कि 7x³ - 1/x³ और प्लस 8x - 1/x³, ये 8/x, ये वैल्यू आपको गिवन है। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 7, तो x³ - 1/x³ + 8 को मैं कॉमन निकाल दूं तो x - 1/x आ जाएगा। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, ध्यान से देखना, आपको वैल्यू ये गिवन है और मुझे वैल्यू चाहिए x³ वाली वैल्यू, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ना कि x - 1/x³, इसका होल स्क्वायर कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो x² + 1/x और माइनस का 2, ये वैल्यू आएगी। इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 7 - 2, ये तो है 7 - 2 कितना 5, ये वैल्यू आ गई आपकी x - 1/x² आपको वैल्यू चाहिए x - 1/x की, क्यों, इस वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे अपन तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई √+−√5, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब मैं इस पूरे का क्यूब करूंगा, ठीक है, देखना ध्यान से कि मैं ऐसे बोल दूं कि x - 1/x³, ठीक है, इसका मैं क्यूब करूं तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x³ - 1/x³ - 3 × x - ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, ये इसको लिख देता हूं उसके बाद फॉर्मूला लिखता हूं, आपका फॉर्मूला है a - b³, क्या फॉर्मूला है a³ - b³ - 3 × ab × a - b, ये वाला फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए x³ - 1/x³ = x - 1/x³, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस 3 × x - 1/x, ये वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे की वैल्यू कितनी है ये रही, ठीक है, कितनी है प्लस माइनस
रूट फाइव का क्यूब प्लस थ्री इंटू प्लस माइनस रूट फाइव, ये वैल्यू इसकी है। यदि मैं इसका क्यूब कर दूं तो क्यूब करेंगे तो कितना प्लस माइनस है क्यूब ये, और इसका क्यूब करोगे तो फाइव रूट फाइव प्लस माइनस और प्लस, और ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस थ्री रूट फाइव, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं प्लस माइनस को कॉमन निकाल दूं तो फाइव रूट फाइव और प्लस थ्री रूट फाइव, यानी मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, प्लस माइनस यहां से और यहां से, रूट फाइव को भी कॉमन निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी। अब मैं डायरेक्ट इसको एड कर सकता हूं ऐसे भी, या फिर आप रूट फाइव को कॉमन निकालोगे तो फाइव प्लस थ्री कितना एट, और रूट फाइव कॉमन था तो ये फाइव, ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब इस पूरे की वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं इसके आगे, ठीक है। आप पॉज करके देख लेना, देखिए अब आपको क्या करना है, ये तो सेवन, इस पूरे की वैल्यू कितनी है ये रही, प्लस माइनस एट रूट फाइव प्लस एट इंटू प्लस माइनस रूट फाइव, ये वैल्यू ये आया कहां से आपका, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री में से, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस 56 रूट फाइव, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा प्लस माइनस 8 रूट फाइव, कॉमन निकाल दो, प्लस माइनस को मैं कॉमन निकाल दूं तो 56 रूट फाइव प्लस, ये प्लस माइनस तो बाहर, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है 8 रूट फाइव, इन दोनों का आप एड करोगे तो प्लस माइनस, देखो 56 रूट फाइव और 8 रूट फाइव एड करोगे तो 56 प्लस 8 कितना 64 रूट फाइव, ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, 9 में आपको गिवन है कि इफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स नॉट इक्वल टू फाइव, और इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो वैल्यू गिवन है इसी को लो, इसको मैं इस पूरे फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई करवा दूं तो एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू वन, इस वन को तो इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस फाइव एक्स इधर आएगा तो प्लस फाइव एक्स हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट तो एक्स, और ये वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव, ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स माइनस फाइव की वैल्यू। आपको चाहिए तो मैं यहां से x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का टू, अब माइनस टू को ऐड कर दो और प्लस टू को ऐड कर दो, तो ये वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो मिलकर कितना आ जाएगा, देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस का फोर आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी है फाइव, तो फाइव का स्क्वायर प्लस फोर, फाइव का स्क्वायर कितना 25, 25 प्लस फोर कितना 29, यानी आपकी जो वैल्यू है x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू 29 मिल जाएगी। और आपको वैल्यू चाहिए x प्लस वन अपॉन एक्स की, तो इधर मैं वैल्यू करूं तो इसका स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू का फॉर्मूला जानता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या फॉर्मूला है ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी कर दो, एक ही बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए ये वाला फैक्टर में अप्लाई करूं तो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस पूरे की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस रूट ऑफ 29 और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 5, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट
29। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो निकालते हैं, देखो इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपने पास में एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × ab × a + b। यदि यहां पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, ठीक है? इसका यूज करूं मैं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो, सबसे पहले इसी को लो, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूं तो x into 5 माइनस x = 1, अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं तो 5x - x² = 1। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो x, या फिर ऐसे कर दो 5x = x² + 1। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करूं तो 5 = x + 1/x, यानी x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये लीजिए, ठीक है? अब ये क्यों किया? क्योंकि ये q वाला फॉर्मूला ऊपर वाला मैं अप्लाई करूंगा तो एक फैक्टर आपको मिलेगा, ये वाला, ठीक है? इसकी वैल्यू पुट करके ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ये फाइंड आउट करना है तो इसी का क्यूब कर दीजिए, तो x + 1/5 = x + 1/x = 5 आपको गिवन है, तो इसका मैं बोथ साइड के अंदर क्यूब कर दूं तो ये इसका क्यूब हो गया और ये आपका इसका क्यूब हो गया, ठीक है? इस पूरे की वैल्यू आपको, आपके पास में कितनी है? 5। ओपन करो इसका, इसकी वैल्यू तो हो गई ना, इसको ओपन करो, x³ + 1/x³ + 3 × a, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, तो x × b 1/x और × x + 1/x = 5 का क्यूब कितना 125। ये वैल्यू देखो, अब यहां पे देख लो, x³ + 1/x³ = ये x से x कैंसिल आउट और इधर वैल्यू आपकी कितनी है? 125। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो कितनी वैल्यू आएगी? माइनस की 3 × x + 1/x, तो 125 माइनस 3 × x + 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 5 थी, तो ये वैल्यू आपकी इसकी 5 आ जाएगी, ठीक है? ये लीजिए 5, ठीक है? तो वैल्यू आ गई 125 माइनस 15, 15 को आप माइनस करोगे तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है? चेक करता हूं एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है? ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है, तो एक बार देख लीजिए क्या गिवन है वो देखिए। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि 3a + 5b + 4c = 0, शो दैट 27a³ + 125b³ + 64c³, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 180 abc। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है? इसको तो मैं रब कर देता हूं और इसके बारे में देखते हैं अपन, देख के ध्यान से। सबसे पहले ये कंडीशन आपको गिवन है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या ले सकता हूं, क्योंकि देखो इसका क्यूब चाहिए, इसका भी क्यूब चाहिए और इसका भी क्यूब चाहिए, तो इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूं कि 3a + 5b
प्लस 4c आपको गिवन है, तो इस 4c को मैं इधर लेके आऊं तो ये 4c आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर बात। अब मैं इस पूरी इक्वेशन का दोनों तरफ क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, तो 3a प्लस 5b का क्यूब इक्वल टू माइनस 4c का क्यूब, ये लीजिए। ठीक है, अब आगे देखो, इसका क्यूब करो तो क्यूब वाला फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a का क्यूब यानी 3a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 5b का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3a इंटू b यानी 5b इंटू a प्लस b यानी 3a प्लस 5b इक्वल टू माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस 4 का क्यूब करोगे 64, c का क्यूब करोगे c क्यूब। ठीक है, अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब कितना 27, a का a क्यूब, 5 का क्यूब 125, b का b क्यूब प्लस 5 थी 15, 15 थी 45 ए बी इंटू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है माइनस 4 इंटू सी इक्वल टू, ये कितना है माइनस का 64 सी क्यूब। ठीक है, अब देखो 27 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब प्लस इस 45 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस का 90 कितना 180 ए बी और ये सी आ रहा है तो सी इक्वल टू माइनस 64 सी क्यूब। तो 27 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब, ये माइनस 64 इधर आएगा तो प्लस 64 सी क्यूब और ये 180 इधर जाएगा तो प्लस 180 ए बी सी, ये आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।